बेकार है भैया तरीके। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ यूजफुल कुछ फनी गैजेट बाय किया हूँ मीशो ऐप से बहुत ही चीप प्राइस में, और इनमें से शायद आपको कुछ पसंद भी आ सकता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले 170 रुपए का डेकोरेटर लैंप, निकल जा भैया। तो ये कुछ इस तरीके का है, इसे पावर बैंक के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। दिख रहा क्या? अरे नहीं दिख रहा भाई। और ये वाला रिंग को घुमाने से कुछ इस तरीके से इसका इफेक्ट चेंज होता है। वैसे देखने में इसका लाइट तो कूल लग रहा है और इसको चार्जर में भी यूज कर पाएंगे, लेकिन फोटो में जैसे दिख रहा था वैसे पूरा रूम में नहीं फैलता है, मतलब ये ज्यादा एरिया कैप्चर नहीं करता है, बाकी सब कुछ ठीक है। इसे आप रात को यूज करने के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा है रोमांटिक कैंडल लैंप। ओहो ओहो, अबे यार ये तो देखने में कुछ और ही लग रहा है भाई, पर जो भी है लेकिन बॉक्स में जो फोटो दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये देखने में तो अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे अवार्ड मिल गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आप बैटरी भी डाल सकते हो और इसके साथ एक केबल भी दिया है चार्जर के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ओहो भाई कुछ तो घूम रहा है इसके अंदर। अच्छा मोटर है, अरे ये तो बवंडर बन गया भाई, ये देख रहे हो बवंडर हो रहा है ये। ओहो देखने में तो अच्छा लग रहा है यार ये तो। और ये मुझे पड़ा था 500 रुपए का, इसे आप ले सकते हो, पर इसका मोटर का साउंड काफी ज्यादा है। अगर आप घर में इसको ऑन करके सो जाते हो तो आपका नींद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तीसरा ये है सबसे सस्ता एयर ड्रॉप, सिर्फ 370 रुपए का, और इसका म्यूजिक काफी अच्छा है, ऊपर ही सब कुछ है। ओके, तो ये इसका केस है। अरे वाह ये तो काफी ज्यादा चमक रहा है, ये देख रहे हो केस का क्वालिटी तो बहुत ही चीप है, पर यहाँ पर एक लाइट भी है, कुछ इस तरीके से आप इसको यूज भी कर सकते हो रात में। ये देख रहे हो एयर ड्रॉप्स को अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से डालेंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्प्ले भी है यहाँ पर शो हो रहा है, और इसे अगर इस तरीके से यहाँ पर डालते हैं तो इधर भी ये शो हो जाएगा कि ये भी चार्ज हो रहा है। तो ये देखने में तो काफी कूल लग रहा है, इसका प्राइस के हिसाब से इसका म्यूजिक सच में भाई काफी जबरदस्त है, और इसमें ब्लूटूथ 5.1 भी है और इसका रेंज भी काफी अच्छा है, और तो इसको आप एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। जी हाँ ये मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकता है, बस इसके साथ जो ये केबल आया है इसको यहां पर कनेक्ट करो और मोबाइल फोन को यहां पर लगाओ, देखो चार्ज होना स्टार्ट हो गया भाई, देखो चार्ज हो रहा है अभी देखो। तो डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करूंगा, 370 रुपए देकर इसको आप जरूर ले सकते हैं। चौथा ये 3-in-1 चार्जिंग केबल। ओहो निकल गया भाई। क्या आपको लग रहा है ये छोटा सा केबल है? जी बिल्कुल नहीं, कुछ इस तरीके से बड़ा भी हो सकता है। जी हाँ जैसे बड़ा हो गया, अभी इसे एक बार और खींचो फिर ये छोटा हो गया। देखो इसमें 3 चार्जिंग पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक लाइटनिंग यूएसबी पोर्ट आईफोन यूजर के लिए। ये काफी कूल है, इसे आप ले सकते हो और इसका प्राइस है 170 रुपए। और अब अगर आपका वायर हेडफोन जल्दी खराब हो जाता है तो ये रहा आपके लिए एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं अबे साले चार, मतलब चार हेडफोन सिर्फ 200 रुपए में। क्वालिटी तो अच्छा लग रहा है देखने में। एक बार इसका म्यूजिक प्ले करके देखते हैं, ये काफी छोटा है, कान में तो अच्छे से फिट आ गया। सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता क्योंकि फोन में उधर नहीं दिखा दे रहा है अभी। भाई चल तो रहा है लेकिन इसका क्वालिटी एकदम बकवास है, इसमें इतना भी बेस नहीं है और साउंड भी बहुत ही कम है। मैं फुल साउंड दे चुका हूँ लेकिन बहुत ही धीरे बज रहा है। मैं बोलूंगा 200 रुपए देकर इससे भी अच्छा एक आपको वायर हेडफोन मिल सकता है, पैसा बर्बाद मत करो ठीक है। और अब ये है 25 वाट का रिचार्जेबल लाइट, कंपनी का नाम यहाँ पर रॉक लाइट लिखा है, देखते हैं कैसा है। ओके इसके साथ एक चार्जिंग केबल भी है। वैसे ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, सामने की तरफ ट्रिपल एलईडी है और यहाँ पर एक बटन है और मेन लाइट जो है यहाँ पर है, इसको ऑन करते हैं। इसका मूड है इतना सारा, देखो एक मूड, अगर मैं फिर से एक बार प्रेस करता हूँ तो ये जल गया सामने का, और एक बार प्रेस करता हूँ तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया रेड लाइट, ये अभी ब्लिंक हो रहा है इमरजेंसी के लिए, और ये बंद हो गया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, मान लो आपको ये वाला लाइट यूज करना है, एक बार प्रेस किया ये जल गया, अगर आपको ऑफ करना है तो आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा, मतलब 5 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा ये बटन फिर जाकर ये ऑफ होगा। ओवरऑल देखा जाए तो लाइट अच्छा है, इसको आप खरीद सकते हैं, इसका प्राइस है 150 रुपए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये एक छोटा सा स्पीकर, लिखा तो है JBL, अब पता नहीं इसके अंदर क्या है, मिनी बूस्ट 3 वायरलेस स्पीकर 4D। चलो इसको ओपन करते हैं। ओहो अरे भाई ये तो काफी छोटा है, देख रहे हो कितना ज्यादा छोटा है, ये देखो ब्लैक कलर में बहुत ही ज्यादा छोटा है ये। यहाँ पर JBL का ब्रांडिंग है, अगर सच में JBL का होगा तो काफी अच्छा चलेगा। पीछे की तरफ एक बटन है, इसको प्रेस करो ये ऑन हो जाएगा। ओके तो ये अभी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसका बेस साउंड काफी अच्छा है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम है और वो है इसका बैटरी। जी हाँ इसका बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चलता है, मुश्किल से 1 घंटा चलेगा और मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, थोड़ा सा फन के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुनने के लिए आप इसको ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में ये है फोल्डिंग मोबाइल फोन होल्डर, और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये बड़ा भी होगा, कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा हो सकता है मोबाइल फोन कुछ गया तेरी की। ओके तो मोबाइल फोन कुछ इस तरीके से इसमें खत्म।
तरीकी नहीं टूटा भाई, बच गया। मोबाइल फोन होल्ड करने के लिए तो ये काफी सही चीज है, आप चाहे तो इधर ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप फोन को कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो, पर ये टेबल में अच्छी तरीके से बैठता नहीं है, थोड़ा सा भी अगर लगा तो ये पलट जाएगा और इसमें थोड़ा सा भी ग्रिप नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये भी बेकार है। और अब लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा भाई यार, बहुत ही मैंने से वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और कमेंट में मुझे जरूर बोलिएगा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या फिर नहीं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हैंडल आ रहा होगा, तो जाइए फॉलो भी कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।